जनपद संभल की चंदौसी में बनने वाले 100 बेड के आइसोलेशन वार्ड के विरोध में नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कोरोना के कहर को देखते हुए भारत सरकार के देश के विभिन्न राज्यों में अस्थायी तौर पर आइसोलेशन वार्ड बना रही है। इसी के तहत जनपद संभल की चंदौसी में बदायूं चुंगी पर स्थित रेलवे के ट्रेनिंग कॉलेज में 100 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है, जिसका शहर की जनता काफी विरोध कर रही है। आज नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकत्रित होकर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी चंदौसी महेश प्रसाद दीक्षित को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारियों ने शासन को गलत रिपोर्ट भेजी है कि यह शहर से बाहर है और यहां की आबादी भी 25,000 बताई गई है, जबकि इसकी आबादी 2.5 लाख के लगभग है। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा कि इस आइसोलेशन वार्ड को यहां से 8 किलोमीटर दूर राधा गोविंद इंस्टीट्यूट में बनाया जा सकता है, जिसके लिए वहां के प्रबंध तंत्र ने अपनी मंजूरी भी दे दी है और वह आबादी से काफी दूर है। चंदौसी में आइसोलेशन वार्ड बनना था, उसके लिए ज्ञापन दिया है कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? हमारा इतना कहना है, इतना निवेदन है शासन और प्रशासन से कि चंदौसी नगरी धार्मिक नगरी है, प्रतिष्ठित नगरी है। जिस तरीके की भ्रामक और झूठी बात को प्रेषित किया है रेलवे के उच्च अधिकारियों ने कि यहाँ आबादी 25,000 की है और ZTS सेंटर जो है आपका शहर के बाहर है, हमें केवल शासन और प्रशासन को ये बताना है कि ये आबादी के बीचों बीच में है। नगर की 2.5 लाख की आबादी है और इस क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा लोगों की आबादी है और स्कूल जो बने हुए हैं, लगभग 4 स्कूल इसके सराउंडिंग हैं। ये दुष्प्रभाव पड़ेगा, हम नहीं चाहते कि बीचों बीच शहर की आबादी के बीच में ZTS सेंटर में ये सेंटर बनाया जाए। कोरोना से हम सभी लोग पीड़ित हैं, हम सब लोग दुखी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की यही ख्वाहिश है कि सब लोग सुरक्षित रहें, हम चाहते हैं इस क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे, प्रशासन के बाशिंदे जो यहाँ रह रहे हैं अपने परिवार के साथ वो सुरक्षित रहें, रेलवे प्रशासन के जो एम्प्लॉय जो अंदर रह रहे हैं उनके बच्चे भी इसके अंदर रहते हैं मकानों में, वो भी सुरक्षित रहें। हम सबकी सुरक्षा को देखते हुए ये चाहते हैं कि शहर से 8 किलोमीटर दूर राधा गोविंद के आसपास एक बहुत बढ़िया प्लेस जो DM साहब को ऑफर किया गया है उसमें वो अपना ये सेंटर बना दें, ये हम लोग चाहते हैं, इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया है। अच्छा, क्या रेलवे के उच्च अधिकारियों की मीटिंग चल रही है DM साहब के साथ? रेलवे के उच्च अधिकारी आज DM साहब की परमिशन लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि DM साहब इस जिले के मालिक हैं, उनकी इच्छा होगी तो ये सेंटर यहाँ पर बनाया जाएगा। आइसोलेशन वार्ड DM साहब की परमिशन के बिना नहीं बन सकता। रेलवे के उच्च अधिकारियों ने आकर के DM साहब से बात की है कि आप हमें जो इसकी परमिशन दें ताकि मरीजों को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर सकें, परंतु DM साहब का कहना है कि चंदौसी नगर और आसपास के क्षेत्रों के तमाम सामाजिक संगठन ये चाहते हैं कि ZTS में जो ये आइसोलेशन वार्ड नहीं बनना चाहिए, इस बात पर जो है DM साहब ने कड़ा एतराज जताया है और हम उनकी प्रशंसा करते हैं, हम उनके साथ हैं, हम जनता के साथ हैं, हम पहले चंदौसी नगर के नागरिक हैं और चंदौसी की जनता हमारी माई बाप है, हमारे